काफी बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं ना बहुत बार थियरी सब्जेक्ट्स के वजह से कम हो जाते हैं राइट तो मैं आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच प्लस आपको एक ऑल इंडिया रैंकर्स का सर्टिफाइड कॉपी बकायदा दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से कहीं कही ना कहीं आपको ये चीज समझ में आएगा कि भाई पेपर लिखना कैसे है कैसे प्रेजेंट करना है क्या चीज़ें इंप्रोवाइज करनी है प्लस जो कॉमन मिस्टेक्स हो रही है ना वो आपके अवॉइड हो जाए प्लस इसके साथ साथ दस से बीस नंबर बढ़ा के जाएंगे इस वीडियो के एंड तक वीडियो को ध्यान से देखेंगे पसंद आएगा तो जरूर लाइक प्रेस कर देंगे अब फटक से मैं जा रहा हूं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप चाहिए तो पॉइंट प्लीज नोटिफाई लिखते जाइए साथ साथ में ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे आगे देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सी ए फाइनल है मेरे पास राइट ऑल इंडिया का एक सर्टिफाइड कॉपी है सबसे पहले मैं ऑडिट पेपर का दिखा रहा हूँ फिर लॉ पेपर का दिखाऊंगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या क्या गलतियां उन्होंने की है क्या क्या चीजें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं राइट right? तो सबसे पहले आप अगर पेपर देख रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट इनका ऑडिट का पेपर है ही स्कोर्ड थर्टी मार्क्स आउट ऑफ सेवेंटी ठीक है थर्टी मार्क्स आउट ऑफ सेवेंटी अब सबसे पहले अगर कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने सेंटर पे लिखा है वो ठीक तो है हमने स्टार्ट कैसे किया एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना अब देखो जहां पे भी उन्होंने स्टार्ट किया एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन

फिर उन्होंने लिखा है प्रोविजन फिर उसके बाद अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को और उसके साथ साथ हर एक चीज को पॉइंट्स में लिखा हुआ है राइट जो जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि भैया ये प्रोविजन है ये, ये चीजें इस तरीके से की जाती है और इस तरीके से आपको लिखना है आपने देख देख सकते हैं आप स्क्रीन पे राइट वो चीज होने के बाद वो चीज होने के बाद है ना उन्होंने क्या किया है वो चीज होने के बाद आप कोई भी उनके आंसर में जाएंगे ना तो उन्होंने जब भी एंड में कंक्लूजन लिखा है ना तो एक चीज आप ध्यान से देखना कंक्लूजन को काफी अच्छे से ओपनली प्लस उसको अंडरलाइन किया है ज्यादातर प्रोविजन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंक्लूजन आता है तो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ये चीज आपको सबसे पहले कर लेनी है उसके साथ साथ अगर आप स्कोर पे ध्यान देंगे राइट अगर आप ध्यान से स्कोर पे ध्यान देंगे तो सेवेंटी में से थर्टी मार्क्स आए इनके सर पासिंग होने के लिए तो फोर्टी चाहिए मीनस आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एमसीक्यू में अगर आपको पास होना है तो भाई साहब एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर करना होगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऑडिट लॉ जैसे पेपर में ठीक है अब सिमिलरली अगर आप लॉ का पेपर इनका मैं दिखाता हूं आपको लॉ में इनको थर्टी मार्क्स है 70. में लिखा है राइट बट स्टिल ही वॉज एबल टू मैनेज टू गेट अ ऑल इंडिया रैंक वाई बिकॉज ही नोज द सीक्रेट क्या सीक्रेट पता था उनको सबसे पहला

नहीं कर पाओगे रिकॉल तो एग्जाम हॉल में रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जितना फास्ट आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है ठीक है तो प्लीज ट्राई टू रिवाइज इट एंड कोशिश करो कि सेल्फ करो ताकि एटलीस्ट एग्जाम हॉल में उसको रिकॉल कर पाओ नेक्स्ट एमसीक्यू में बहुत बार दिक्कत क्या हो जाती है स्टूडेंट्स को अगर पेपर में आप एमसीक्यू को प्रॉपर टाइम नहीं देते मैं बता रहा हूं देखो एमसीक्यू आपके करीबन थर्टी मार्क्स आएंगे अगर आपने थर्टी में से और आपने 25 ट्वेंटी स्कोर कर लिया ना तो आपको प्रैक्टिकल में या जो आपका आंसर राइटिंग पार्ट है उसमें स्कोर करना पड़ेगा पास होने के लिए सिर्फ फिफ्टीन और उसके ऊपर के जो भी रहेंगे वो आपके बोनस मार्क्स होते जाएंगे राइट right? अगर आपने 25 स्कोर कर लिया जितना ज्यादा स्कोर करते जाओगे या 35 स्कोर कर लिया तो विल रीच द एक्साम लिमिट आई यू गेटिंग माय पॉइंट

Are there in your तो जो जो तो नए क्वेश्चन एड हुए ना सब्जेक्ट्स में या टॉपिक्स में प्लीज उसको एक बार चेक करके जाना अगर चेक करके नहीं गए ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन की कोशिश करता है हर बार में। And, हमें लगता है कि भैया ऐसा लिखो, लिखो भर भर के लिखो भर भर के लिखो ताकि मेरा स्कोर अच्छा हो जाए ना सी इफ यू सी देपर केयरफुली राइट जितना आंसर है ना उतना ही लिखा गया है ऐसा नहीं कि हमने एक्सेस लिख दिया है राइट जितना आंसर है ना उन्होंने उतना ही लिखा है, जैसे कि अगर 4 का है, तो, इतना है तो इतना ही लिखा है, मतलब जितना है। जितना उतना बढ़िया से लिखा ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे कुछ भी लिखते जा रहे नो वट इज मोर इंपॉर्टेंट नो वॉट यू राइट एंड राइट विच इज देयर इन द प्रोविजन अगर जो नहीं आ रहा है उसको आप भले एंड में एक दो पॉइंट लिख दीजिए बट प्लीज डू नॉट राइट नॉन सेंस इन द स्टार्टिंग ऑफ द आंसर्स बिकॉज एजन वन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स द एग्जामिनर कम्स टू नो दैट इसको प्रोविजन पता है कि नहीं इसको सेक्शन पता है कि नहीं राइट right? इसने पढ़ के आया कि नहीं तो वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट नंबर वन टू स्ट्रक्चराइज द आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट राइट इन अ पॉइंटर मैनर अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्लीज ट्राई टू डू सेल्फ रिविजन रिकॉल और सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यूज और इसके साथ साथ प्लीज एलोकेट टू द एमसीक्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल ठीक है अगर आप ये चीज कर लोगे तो अच्छे से आपका थेरी पेपर में स्कोर अच्छा हो जाएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जो थेरी पेपर में एटलीस्ट एग्जामेशन ला सकते हो पॉसिबल है प्रोवाइडेड आप अच्छे से चीजों को पढ़ के जाओ ठीक है तो बस यही चीज मुझे बताना था और आप बढ़िया से पढ़िए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एग्जाम कोई भी हेल्प चाहिए तो हम तो बैठे ही हैं प्लस मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में तक तक के लिए ब बाय टेक केयर स्टे सेफ और कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन